अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज मोहम्मद अब्दुल्ला खालिद और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आपको बताते चलें कि फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो पाकिस्तान भर के तमाम स्टूडेंट्स को MBBS और BDS के एडमिशन ऑफर करता है। आप खा पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस कॉलेज की अपनी रिजर्व सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपको बताते चलें कि FMDC का जो नाम है वो चेंज करके फ्रॉम फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इसका नाम रख दिया गया फेडरल मेडिकल कॉलेज, और जो BDS सेक्शन था उसका नाम स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद रख दिया गया। इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे इसके कि FMDC कितने नंबर ऑफ MBBS और BDS सीट्स ऑफर करता है डिफरेंट प्रोविंसेस और स्टेट्स के स्टूडेंट्स को, उसके क्लोजिंग मेरिट्स क्या थे 2019, 20 और 21 के, और लास्टली आपको फी स्ट्रक्चर और मेरिट फार्मूला भी बताएंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं विद मेडिकल कॉलेजेस नंबर ऑफ सीट्स। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टोटल हर साल MBBS की 100 सीट्स ऑफर की जाती हैं, जिनमें से 6 सीटें ओपन मेरिट के लिए मुख्तस की जाती हैं। ओपन मेरिट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें पाकिस्तान भर के तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 10 सीटें हैं, पंजाब की 38 सीट्स हैं, सिंध रूरल की 9, सिंध अर्बन की 6 और KPK की 9 सीट्स हैं। इसके साथ साथ बलोचिस्तान की 5, GB की 2, फाटा की 2, AJK की 2, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सन या डॉटर की जो सीट्स हैं वो 9 हैं, और लास्टली अगर डिसेबल कोटा की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान से जितने भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी 2 हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट आप देख सकते हैं कि पंजाब प्रोविंस के लिए हैं जो कि 38 है। क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए तो 2019, 20 और 21 के क्लोजिंग मेरिट्स आपके सामने हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट क्लोजिंग मेरिट हर साल ओपन मेरिट की कैटेगरी का आता है जो कि लास्ट ईयर 91.71% था। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स के लिए 91.14% था, पंजाब के लिए 91.64, सिंध रूरल के लिए 90.4 थी, जबकि सिंध अर्बन के स्टूडेंट्स के लिए इट वाज 89.28%। बात KPK की जाए तो उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो 89.78 था। बलोचिस्तान की जो 5 सीटें थी उस पर क्लोजिंग मेरिट 88.57% था, जबकि GB की 2 सीटों पे क्लोजिंग मेरिट 89.16% था। फाटा की बात करें तो 89.18%, AJK में 90.76%, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सन या डॉटर कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल 9 सीट्स थी, जबकि क्लोजिंग मेरिट 90.84% था, और डिसेबल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो इनका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 88.78% था। आप देख सकते हैं हर साल की तरह, जैसे हमने पहले बात की कि ओपन मेरिट की जो कैटेगरी है उसका हाइएस्ट क्लोजिंग मेरिट होता है, तो आप इस डाटा को एनालाइज करके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं कि आपने किस कैटेगरी में अप्लाई करना है। और आपको बताता चलूं कि इसके जो 2022-23 के एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर लें। डेंटल सीट्स की बात की जाए तो टोटल 50 सीट्स ऑफर की जाती हैं स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद की तरफ से पाकिस्तान भर के स्टूडेंट के लिए, जिनमें ओपन मेरिट की 3, इस्लामाबाद टेरिटरी की 5, पंजाब की 19, सिंध की 4, सिंध रूरल की, सिंध अर्बन की 3, KPK की 4, बलोचिस्तान की 3, गिलगित बल्तिस्तान की 1, फाटा की 1, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की 1, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सन या डॉटर्स की 5, जबकि डिसेबल कोटा की 1 सीट होती है। क्लोजिंग मेरिट्स की बात की जाए तो आपके सामने स्क्रीन पे 2020 और 21 के क्लोजिंग मेरिट्स मौजूद हैं, जिसमें जो हाईएस्ट क्लोजिंग मेरिट था लास्ट ईयर वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का था जो कि 91.34% था। ओपन मेरिट की बात की जाए तो 90.67%, पंजाब में 90.96%, सिंध रूरल में 89.26%, सिंध अर्बन के स्टूडेंट्स के लिए 89.98%, जबकि KPK के स्टूडेंट्स के लिए जो क्लोजिंग मेरिट था लास्ट ईयर वो 87.79% था। बलोचिस्तान की बात की जाए तो 3 सीटों पे कंपटीशन था, जबकि क्लोजिंग मेरिट 88.57% था। GB की बात की जाए तो 89.08%, फाटा का क्लोजिंग मेरिट 89.18%, AJK का 91.23%,
फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सन या डॉटर्स के लिए 90.59 क्लोजिंग मेरिट था। लास्ट ईयर का डिसेबल कोटा की बात की जाए तो 2020 में जो इनका क्लोजिंग मेरिट था वो 90.68% था। इस साल का क्लोजिंग मेरिट हमें नहीं मिल सका, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर डिसेबल कोटा जो था बीडीएस सीट्स के लिए वो तकरीबन 89 to 89.5% के दरमियान था। फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का कॉलेज है तो हर साल इसकी जो पर एनम फी है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार के दरमियान स्टूडेंट से चार्ज की जाती है। और लास्टली मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो एज पर पीएमसी रेगुलेशंस 10% मैट्रिक काउंट किया जाएगा, 40% इंटरमीडिएट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और 50% एमडी कैट 2022 और 2021 के मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। इन द एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशंस 2022। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।